जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश यादव आपका फिटनेस ट्रेनर एंड कोच। आज आपके लिए लेके आए हैं हम बाइसेप्स वर्कआउट। जितने भी लोग जिम में जाते हैं, नए लोगों को सबसे ज़्यादा अपने बाइसेप्स बनाने के बारे में चाह रहती है। आज हम बाइसेप्स का वर्कआउट बताने वाले हैं, कितनी तरह की हमारी एक्सरसाइज होते हैं बाइसेप्स के अंदर, कौन से मसल्स के लिए कौन सा वर्कआउट हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, अगर हमारे को मसल्स गेन करने हैं तो हमारे को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर हमारे को बाइसेप्स की कटिंग लेके आनी है तो कौन से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कितनी रेपुटेशंस हमारे को मारनी चाहिए, कितने हमारे को सेट मारने चाहिए, कितने हमारे को रेस्ट करना चाहिए और क्या क्या हम लोग गलतियां करते हैं नए लोग, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। अब मैं आपको बाइसेप्स के मसल के बारे में बताने वाला हूँ। बाइसेप्स का एक बड़ा मसल होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। दो पार्ट होते हैं इसलिए इसको बाइसेप्स बोला जाता है। बाइसेप्स की पांच बेसिक एक्सरसाइज जिसमें हम बारबल कर्ल, डंबल कर्ल, हैम्बल कर्ल, प्रीचर और कंसंट्रेशंस, इनको परफॉर्म करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे फिटनेस ट्रेनर रॉकियो। अब हम आपको बताएंगे प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज के बारे में। आइए, इसको सबसे पहले तो जो है ना, ज्यादा खोल के नहीं पकड़ना हमारे को, थोड़ा नजदीक पकड़ना है, सबसे नियर बाई वाली ग्रिप में, और इसको डाउन। और एक चीज का हमारे को ख्याल रखना है, इसमें कोहनियां ज्यादातर लोगों की बाहर खुलती हैं, तो इसमें कोहनियां हमारी थोड़ी अंदर रखनी है हमारे को, एंड अप। इसमें ज्यादातर रिस्ट का भी हमें ख्याल रखना है, रिस्ट को ज्यादा नीचे नहीं खोलना ना ज्यादा ऊपर, बिल्कुल बराबर हमारी रिस्ट रहेंगे, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, कंटिन्यू करते रहिए। इसके अंदर हमारे को थोड़ा सा कंधों का भी ख्याल रखना है, कंधे हमारे टच रहेंगे प्रीचर पे, हिप्स पीछे की तरफ रहेगी। और इसके हम लोग जो हैं, नए जितने भी लोग जिम में जाते हैं उसके दो से तीन सेट से हम शुरुआत कर सकते हैं, बाद में तीन से चार महीने बाद हम चार सेट भी इसके मार सकते हैं। रेपुटेशंस हमारे को इसकी रखनी है 10 से 12 रेपुटेशन एक सेट के अंदर, और वजन हमारे को लिफ्ट करना है कि जितना हमारे अंदर जान हो, लास्ट वाले हमारे 12वें रेपुटेशन पे हमारी पूरी जान लगनी चाहिए, उतना हम वजन ले सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि शुरुआत में थोड़ा वजन कम लगाएं, 5 का, फिर 7.5 का, और फिर जो है 10 की प्लेट से भी हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ने का हमारा तरीका, जितने हमारे शोल्डर हैं उतना ही चौड़ा हमारे को यहां से पकड़ना है नीचे से, स्टार्ट, 1 डाउन अप। इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं वो ये है कि इसको जो है, जब भी हम ऊपर उठाते हैं तो हमारी कोहनियां आगे पीछे चलती हैं, तो इसको बिल्कुल कोहनियों को हमारे को स्ट्रेट रखना है, और इसकी स्पीड हमारे को वही रखनी है, 2 से 3 सेकंड के अंदर हमारे को ऊपर जाना है, 2 से 3 सेकंड में नीचे आना है। इसमें जो एक जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं लोग बाग, कि इसमें कमर ऐसे हिलाते हैं, तो इनकी देखो बिल्कुल स्ट्रेट कमर है, इनकी कमर बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, तो इस चीज का हमारे को खास तौर पर ख्याल रखना है। कंटिन्यू करते रहिए, जितने भी नए लोग हैं इसकी हम 3 सेट से शुरुआत कर सकते हैं, जब भी जिम में जाएं तो 3 सेट इसके शुरू कर सकते हैं, और 2-3 महीने बाद हम इसका 1 सेट बढ़ा सकते हैं, 4 सेट कर सकते हैं। और इसके रैप्स हम लोग जो हैं 10 रैप से हम शुरुआत करके 15 रैप तक हम इसके मार सकते हैं। और इसमें एक चीज का हमारे को ध्यान रखना है कि कितना वेट हम लें इसको, इसमें जो है हम लोग मिनिमम हम जो है शुरुआत थोड़े वेट से करें, जैसे कि जो है 5 kg से या 2.5 kg शुरुआत कर सकते हैं पहला सेट, उसके बाद 5 kg, फिर 7.5 kg और फिर 10 kg। रेपुटेशन इसी तरीके से हमारे धीरे धीरे थोड़े कम होते रहेंगे, 15 रैप्स, 12 रैप्स, 10 रैप्स, ऐसे करके हम अपनी इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। अप एंड डाउन अप। इसमें जो सबसे ज्यादा जो है हमारे को गलतियां हमने देखी है वो देखी है कि जो है कंधे को आगे लेके आते हैं, तो कंधे को आगे नहीं लाना हमारे को, कोहनी और कंधे को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, हाथ को बिल्कुल नीचे हमारे को लेके जाना है ताकि इस वाले मसल्स पे हमारे को फायदा मिल सके। एंड चेंज दूसरे वाले हाथ से कीजिए इसी तरीके से। ये देखिए, ये इनका देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरीके से रखना है। गलतियां क्या करते हैं लोग, इस तरीके से करते हैं, हमने देखा, तो हमारे को ये गलतियां नहीं करनी है, वरना ये मसल्स हमारा सही तरीके से ट्रेंड नहीं होगा। और इसके हम लोग जो है नए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके 3 सेट से शुरुआत कर सकते हैं, बाद में 2 से 3 महीने बाद इसके जो है 4 भी सेट कर सकते हैं, और इसके
सेट रैप्स, इसके रैप्स 10 रैप से शुरू करके 15 रैप तक मार सकते हैं। वेट हम इसमें बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे करके, पहले 2.5 का डंबल चेंज, दूसरे हाथ से चेंज कीजिए, पहले हम जो है 2.5 के डंबल से कर सकते हैं, उसके बाद हम 5 का डंबल लें, फिर हम 10 का डंबल भी ले सकते हैं। इसमें जो एक चीज जो हमारे को ध्यान रखनी है कि इसमें जो है हमारे को कोहनियां आगे नहीं लेके जानी है, कोहनियां और शोल्डर्स का हमारा जो है ये स्ट्रेट रहना चाहिए, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, सिर्फ नीचे वाले हाथों की मूवमेंट रहनी चाहिए। इसके अंदर जो एक और गलती हम लोगों ने देखी है नए बच्चों के साथ में कि वो जो है अपने कंधे को ज्यादा हिलाते हैं, तो हमारा इनका देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, हिल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी ये, तो इस चीज का भी हमारे को खास तौर पे ख्याल रखना है। और इसके जो है हम एक हाथ से 10 रेपुटेशन ले सकते हैं, 12 रेपुटेशन ले सकते हैं, और 3 सेट हमारे को मारने हैं इसके। इसी तरीके से हमारी दूसरा भी वर्कआउट है हमारा हैमर कर्ल, चेंज कीजिए, हैमर कर्ल कैसे करते हैं स्टार्ट, देखो हैमर कर्ल में हमारे को बिल्कुल स्ट्रेट रखने डंबल, पोजीशन वही रहेगी, हाथ नहीं हिलेंगे, सिर्फ आगे के हाथों को हिलाना है हमारे को, और इसके अंदर भी हमारे पूरे वही सेट रहेंगे। और इसके अंदर भी हमारे को ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें हमारे को कमर नहीं हिलानी है, ये स्ट्रेट रहेगा हमारा कमर का पोर्शन, रीढ़ की हड्डी, और सामने ये हाथ सिर्फ आगे वाले हाथों की मूवमेंट रहेगी। इसके भी हम जो है 3 सेट से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारे को टाइम बढ़ेगा तो 4 सेट कर सकते हैं। इसके भी हम जो है 10 रैप्स एक सेट में मार सकते हैं, इसके बाद हमारे को धीरे धीरे इसके रैप्स बढ़ाने हैं और वेट हमारे को धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। बाइसेप्स को जल्दी बड़ा करने के लिए सब लोग जिम में जाकर ज्यादा ज्यादा बाइसेप्स की वर्कआउट करते हैं, तो बाइसेप्स का वर्कआउट हमारे को रोज नहीं करना, हमारे को हफ्ते में 2 बार या फिर 1 बार हमारे को ज्यादा ज्यादा वर्कआउट करना है। सबसे ज्यादा गलतियां यही करते हैं लोग कि जल्दी बाइसेप्स बड़ा हो जाए हमारा तो ज्यादा हम इसको करेंगे। और एक और चीज देखी गई है कि ज्यादा देर तक वर्कआउट भी हमारे को नहीं करना है, क्योंकि हमारा छोटा मसल्स है, तो इसलिए हमारे को आधे से पौने घंटे इस वर्कआउट को करना है, क्योंकि ये वाला मसल बाइसेप्स का मसल्स हमारा और भी एक्सरसाइजों में यूज होता है, जैसे अपर बैक की हम वर्कआउट करते हैं तो उसके अंदर भी ये बाइसेप्स का मसल हमारा यूज होता है। तो ये गलतियां बार बार करते हैं लोग, ये गलतियां ना करें। ये वाला वीडियो हमारा बाइसेप्स पे था नए लोगों के लिए, अगला वीडियो हमारा डाइट के ऊपर होगा। जो भी आप लोगों के सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।